लूका 22 अध्याय 1 से 71 तक। अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तो कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का गड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं? वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है। पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वही नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख यहाँ 2 तलवारें हैं।
उसने उनसे कहा बहुत है। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन बारहों में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चुम्मा ले। यीशु ने उससे कहा हे यहूदा क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है। उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा हे प्रभु क्या हम तलवार चलाए। और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पैरों के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो। जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। फिर वे उसे पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उज्याले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी यह भी तो उसके साथ था, परंतु उसने यह कहकर इनकार किया हे नारी मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा निश्चय यह भी तो उसके साथ था क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर निकलकर फुट फुट कर रोया। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्टों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें डांक कर उससे पूछा भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा, और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनियों और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा यदि मैं तुमसे कहूँ तो प्रतीति न करोगे, और यदि पूछूं तो उत्तर न दोगे, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सबने कहा तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है। उसने उनसे कहा तुम आप ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा अब हमें गवाही की क्या आवश्यकता है क्योंकि हमने आप ही उसके मुँह से सुन लिया है। गिनती 27 अध्याय 1 से 23 तक। तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफा जो हेपेर का पुत्र और गीलात का पोता और मनश्शे के पुत्र माकिर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला नोवा होगला मिल्का और तिरसा है वे पास आई, और वे मूसा और इलियाजार याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था, तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए। हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि नीज भाग करके दे।
उसकी ये विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती है, इसलिए तो उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि नीज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे, और इसराइलियों से यह कह, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी न हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी न हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी न हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुम्बी सबसे समीप हो उनको उसका भाग देना कि वह उसका अधिकारी हो। इसराइलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारिम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इसराइलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और पैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको इलियाजार याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इसराइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे और वह इलियाजार याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और इलियाजार उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इसराइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर इलियाजार याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। गिनती 28 अध्याय 1 से 31 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना, और तू उनसे कह, जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये हैं, अर्थात नित्य होम बलि के लिए एक एक वर्ष के दो निर्दोष भेड़ के नर बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना, एक बच्चे को बोर को और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना, और भेड़ के बच्चे के पीछे एक चौथाई हीन कुट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के दसवें अंश मैदे का अन्न बलि चढ़ाना। यह नित्य होम बलि है जो सीनै पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया, और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग एक चौथाई हीन हो। मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना और दूसरे बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना अन्न बलि और अर्घ समेत बोर के होम बलि के समान उसे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। फिर विश्राम दिन को दो निर्दोष भेड़ के एक साल के नर बच्चे और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का दो दसवां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना नित्य होम बलि, और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होम बलि ठहरा है। फिर अपने महीनों के आरंभ में प्रतिमाह यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, अर्थात दो बछड़े एक मेंढा और एक एक वर्ष के निर्दोष भेड़ के सात नर बच्चे और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का तीन दसवां अंश मैदा और उस एक मेंढे के साथ तेल से सना हुआ एपा का दो दसवां अंश मैदा और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का दसवां अंश मैदा उन सबों को अन्न बलि करके चढ़ाना वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा, और उनके साथ ये अर्घ हो, अर्थात बछड़े पीछे आधहिन
मेंढ के साथ तिहाई हिन और भेड़ के बच्चे पीछे चौथाई हिन दाख मधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रत्येक महीने का यही होम बलि ठहरे और एक बकरा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए, ये नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होम बलि चढ़ाना, अतः 2 बछड़े, 1 मेंढा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे हो, ये सब निर्दोष हो और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े पीछे एपा का 3/10 अंश और मेंढे के साथ एपा का 2/10 अंश मैदा हो और 7ों भेड़ के बच्चों में से प्रति बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश चढ़ाना और 1 बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। भोर का होम बलि जो नित्य होम बलि ठहरा है उसके अलावा इनको चढ़ाना। इस रीति से तुम उन 7ों दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो, ये नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और 7ों दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। फिर पहले उपज के दिन में जब तुम अपने कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम न करना और 1 होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेंढा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3/10 अंश और मेंढे के संग एपा का 2/10 अंश और 7ों भेड़ के बच्चों में से 1-1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना और 1 बकरा भी चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो, ये सब निर्दोष हो और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना। भजन संहिता 57 अध्याय 1 से 11 तक। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परमप्रधान परमेश्वर को पुकारूँगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा है। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए।